नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम निखिल कुमार है। मैं लबीब एलिस के लबीब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। कल हमें नोटिस आया पोलैंड से इंडियन कम्युनिटी ऑफ पोलैंड से कि जो बच्चे आना चाह रहे हैं वो आ सकते हैं, उन्हें सिलेंजिस की बॉर्डर से निकाला जा रहा है बाई फुट। तो हमने खुद के अपना कैब करवाया, हम सभी लोगों ने अपने हॉस्टल से कैब कराया, कैब से निकलने के बाद हमें कुछ किलोमीटर जाने के बाद बहुत लंबी जाम मिली। तो पूरे जाम में कैब वाले ने हमें निकाल दिया। तो हमने खुद चल के 25 किलोमीटर कोई 30 किलोमीटर सभी लोगों चल के आए हैं बॉर्डर पे, यहाँ पोलैंड के बॉर्डर पे। और यहाँ बॉर्डर पे हमारे साथ ऐसे सलूक हो रहा है, हम 10 घंटे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और एक एक करके बस एक वैन से 8 या 10 लोगों को एक बार में हमें बॉर्डर पे पहुँचाया जा रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि बस यूक्रेनियन लोगों को पहुँचाया जा रहा है और हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है, हमें पहुँचाया ही नहीं जा रहा है। पिछले 8 घंटों से खड़े हैं इस ठंड में, -3 डिग्री सेल्सियस में, बिना खाए बिना पिए। ये देखिए बहुत सारे लोग हाइपोथर्मिया के कारण बार बार एम्बुलेंस आ रही है, बार बार वो हाइपोथर्मिया के कारण जा रहे हैं। कितने इंडियन स्टूडेंट्स वापस हाइपोथर्मिया के कारण एम्बुलेंस आ गए। देखिए पिछले दस घंटों से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, 10 घंटों से। वो दिनों से अलावा उपवास हो बोल।